नमस्कार दोस्तों, सेट स्टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि YouTube चैनल को सर्च में किस तरह से लाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दो वीडियो में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी है कि YouTube से पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं और एक नया YouTube चैनल किस तरह से बनाया जाता है। तो अब आपको ये पूरी प्रोसेस पता है कि YouTube से पैसे कैसे कमाना है। अब आपने एक नया YouTube चैनल भी यहाँ पर ओपन कर लिया है, लेकिन आप जब कोई नया YouTube चैनल यहाँ पर ओपन करते हैं, चैनल आपका बनकर कंप्लीट हो गया है और आप उसे जो है Google में या YouTube में सर्च करते हैं कि आपका चैनल यहाँ पर कहाँ है, तो आपका चैनल यहाँ पर सर्च में नहीं आता है। या तो उसी नाम से कोई दूसरे चैनल जो पहले से बने हुए हैं वो आपको सर्च में दिखेंगे, या उस नाम से कोई चैनल यहाँ पर बना हुआ नहीं है, लेकिन तब भी इसके बावजूद भी आपका चैनल यहाँ पर सर्च में नहीं आता है। तो इसके लिए भी कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर सेटिंग करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में यही सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सेटिंग्स करके और क्या क्या टेक्निक्स और टिप्स यहाँ पर आजमा कर आप पहले ही वीडियो अपलोड करते के समय ही यहाँ पर अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं। मैंने ये वीडियो यहाँ पर एक महीने पहले ही शूट करके रखा था जब मैंने ये चैनल ओपन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इन फ्यूचर मुझे जो है इस पर एक वीडियो बनाना है। तो उसी के बारे में, मेरे ही चैनल से स्टॉल के बारे में, चैनल को सर्च में कैसे लाना है, मैंने जो शूट करके रखा था वही वीडियो जो मैं आपको यहाँ पर अब दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपके बाद सेस के साथ। तो दोस्तों, मैं अब अपने यहाँ पर YouTube चैनल में लॉगिन हो चुका हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उस समय केवल एक सब्सक्राइबर था और केवल एक यहाँ पर वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। और अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या ऐसी सेटिंग्स यहाँ पर करनी है जिससे कि आपका YouTube चैनल भी यहाँ पर केवल एक ही वीडियो अपलोड करते ही यहाँ पर गूगल में यदि आप सर्च करो या यूट्यूब में आप सर्च करो तो आपके सर्च में आपका चैनल यहाँ पर आपको दिखने लगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं YouTube स्टूडियो में। YouTube स्टूडियो वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर YouTube स्टूडियो की जो भी सेटिंग्स होती है वो सारी यहाँ पर आपको ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, जिसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको चैनल का ऑप्शन मिल रहा है। इस चैनल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो पहली ही ऑप्शन में यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो दिख रहा है, जिसमें कि यहाँ पर आपको कुछ टैग लगाने के लिए ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 10 ऐसे टैग लगाने हैं जो कि आपके चैनल के नाम से मिलते जुलते हो या आप चैनल पर जो भी काम कर रहे हो उससे मिलते जुलते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे चैनल का नाम यहाँ पर सेस टॉल्क है, जिससे मिलते जुलते मैंने यहाँ पर कई सारे टैग लगा रखे हैं, जैसे कि सेस टॉल्क टॉल्क सेस, सेस टॉल्क बिना स्पेस के दिया हुआ है, सेस एजुकेशन दिया हुआ है, और इस तरह से सेस ब्लॉगर, सेस यूट्यूबर, इस तरह से आपके चैनल के नाम से मिलते जुलते टैग आपको यहाँ पर लगाने हैं। इसके बाद में दूसरी सेटिंग आपको करनी है वीडियो अपलोड करते समय। जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसे मैं आपको जो है रिवर्स करके बताता हूँ। यहाँ पर जब आप अपने यूट्यूब को अपलोड करते समय टाइटल देंगे, टाइटल में भी आपको अपने चैनल का नाम यहाँ पर देना है। इसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन में भी कम से कम दो बार आपको जो है अपने चैनल के नाम को यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर जब आप थंबनेल अपलोड करेंगे तो उस थंबनेल को अपलोड करने समय जो इमेज आप सेव करेंगे उस इमेज का नाम भी आप अपने चैनल के नाम पर यहाँ पर रखिएगा। इसके बाद जब यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें कुछ और टैग हमें लगाने होते हैं, तो ये जो वीडियो से रिलेटेड टैग यहाँ पर लगाने होते हैं इसमें भी आपको जो है अपने चैनल का नाम यहाँ पर देना है, और चैनल का नाम देने के बाद में आपको जो है अपना वीडियो अपलोड यहाँ पर करना है। यानी कि कुल मिलाकर जो वीडियो आप अपलोड करेंगे उसमें कम से कम 4 से 5 बार आपको आपके चैनल के नाम को यहाँ पर यूज़ करना है, और यहाँ पर जो टैग होते हैं वो सेटिंग वाले टैग में आपको कम से कम 10 बार अपने चैनल से नाम से मिलते जुलते जो टैग है उसे जो है यहाँ पर लगाना है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको YouTube में सर्च करके दिखा देता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो यहाँ पर सर्च में आ रहा है या नहीं। तो इसे मैंने रिफ्रेश कर लिया है और अब मैं यहाँ पर जो है YouTube में सर्च करता हूँ, मेरे चैनल का नाम से स्टॉल्क लिखकर सर्च करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे केवल एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, एक सब्सक्राइबर है और मेरा चैनल यहाँ पर सर्च में आ रहा है। और यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे वह जो है वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आप भी ये नॉर्मल सी सेटिंग करके अपने चैनल को सर्च में यहाँ पर ला सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के टेक्नोलॉजी एजुकेशन और मेक मनी टिप्स जैसे
इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से स्टॉल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।